कॉम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास इंटेक्स का 5-in-1 होम थिएटर आया है। इसमें हम बीटी कार्ड लगा के दिखाएंगे कि हमारे दोस्त ने जो कमेंट करा है कि इसमें बीटी कार्ड लगाने पर सारे स्पीकर नहीं बजते, तो आज आपको हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें कि सारे और स्पीकर चलेंगे और कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा सिस्टम जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। ये इसका मॉडल नंबर है, ध्यान से देख लें आप, इंटेक्स ITX 5900 टर्म्स सब कंप्यूटर मल्टीटेक स्पीकर 5-in-1। तो आज हम इसके कनेक्शन करेंगे, देखना आप अच्छी तरीके से इसकी, और बीटी कार्ड लगाएंगे, देखना अच्छी तरीके से लगाएंगे और सभी स्पीकर इसके सही बजेंगे, देखना आप ठीक ठीक तरीके से। भाई लोगों, आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे इनपुट की सॉकेट हैं सारे, ऑक्स FL CN SF और SL और SR, यानी कि ये दिखा रहा 5-in-1 इनपुट। इसमें क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो है खोलने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि ये आपकी जो है सारे पिनों को मिला लेना है, मैं आपको मिला के दिखाता हूँ अभी। इस प्रकार से आपको सारी बारों को मिला देना है। फिर आपको क्या करना है, जो हमारी इसके लिए क्या करना है, मैं इसके लिए आपको मिनी जो छोटे वाले बीटी कार्ड लगा के दिखाऊंगा आपको। इसमें क्या करना है, जैक की जगह पे ग्राउंड की जगह पे हमें ग्राउंड देनी है, और दोनों ऑडियो को आप मिला दें। मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। इस प्रकार से ग्राउंड को ग्राउंड दे दें आप। ये हम यो एक डायोड लगा देते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि 5 वोल्ट ज्यादा होते हैं, कभी कभी हमारा बीटी कार्ड उड़ जाता है। तो अब हमारे पास ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी जो एक आईसी होती है 7805, 7805 पे हम जो है ये सप्लाई देंगे। ये हमारे 7805 से कैपेसिटर लगा, ये हमारे युवा बीटी कार्ड लग चुका है। बस कुछ नहीं करना आपको, ऑडियो वाले तार ये जितने भी इसके जो है इन हैं उनको सबको एक मिलाकर इसकी दोनों ऑडियो को दे सकते हैं आप। इसी प्रकार से इस वाले कार्ड को भी लगा सकते हैं आप। इसकी जो दोनों ऑडियो हैं वो इनके जो पिन हमने मिलाई हैं सारी उन पिनों पर लगा दें, और जो ग्राउंड वाला पॉइंट है ग्राउंड पर लगा दें, और एक हमें जो 5 वोल्ट की इसकी सप्लाई देनी होती है। तो इसी प्रकार से आप सप्लाई ओके करने के बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये किस प्रकार से चलता है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, इसकी एक मेन वो बता रहा हूँ मैं आपको पॉइंट, आपको क्या करना है, स्टैंड बाई ऑन करने के बाद आपको जो है हमें जो 5-in-1 वाले
स्विच पर लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको, 5-in-1 वाले पर सेट करना है। उसके बाद क्या है, आपका बिल्कुल ओके चले, ठीक चलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो स्टैंड बाई दबाना है, फिर आपको जो है स्टैंड बाई के बाद 5-in-1 पर लगाना है, उसके लगाने के बाद सब कुछ ओके चला जाता है। इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए और किसी भी होम थिएटर में बीटी कार्ड लगवाना है आपको किसी भी तरह का, तो आप लगवा सकते हैं ये और कमेंट कर सकते हैं, और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।